ये देखो ये भी मोबाइल फ्रेंडली, इसको आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी दे सकते हो, जैसे लिंक ट्री है ये भी उसके जैसा ही है। यहाँ पर देखिए आपके वन पेज वेबसाइट होगी तो मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं। चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, ये फ्री में है, आप इसको भी इजिली कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं उन्होंने बैकग्राउंड में इमेज लगाकर। वीडियो की लेंथ लेस देन 10 मिनट्स की होनी चाहिए, तब यूजर आपके साथ बेटर एंगेज करेगा। ये हमारा मेन लैंडिंग पेज है, जब भी कोई यूजर आएगा वो सिंपली यहाँ पर आएगा पहले। तो देखो जैसे ही कोई बंदा वहां पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर रिडायरेक्ट होगा, उसको कोई VSL नहीं दिखेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये वाला स्टैंडर्ड लिंक नहीं देना, आपको ये वाला लिंक देना है कीटो क्विज वाला। पब्लिश करते समय आपको बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए वेब स्टाइल प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन पर नहीं क्लिक करना। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर। जैसे आप देख ही सकते हैं ये आ गया हमारा एफिलिएट सेल्स पेज। तो और मैं आपको नीचे करके दिखा दूँ, इफेक्ट देखना कितना अच्छा था। ये देखिए ये वीडियो है, हेलो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक ऐसी वेबसाइट, एकदम इफेक्टिव लुकिंग वेबसाइट बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी एकदम फ्री में। जिन लोगों को नहीं पता, ये मैंने कैनवा से बनाई हुई है। कैनवा पर आप वेबसाइट्स भी बना सकते हो एकदम इफेक्टिव वे से। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट क्रिएट करनी है कैनवा से एकदम फ्री में। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक टेम्पलेट है, ये कैनवा का ही टेम्पलेट है, इसको मैंने अभी एडिट नहीं किया। बट ये देखो ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह लग रहा है। तो बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, मैं कैसे लैंडिंग पेज बनाऊं। तो इस वीडियो में आपकी वो सारी दिक्कत भी क्लियर हो जाएगी, बिकॉज कैनवा की एक ऐप भी आती है, उसको आप मोबाइल से ईजिली वहाँ पर वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। बस इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना, आप भी अपनी वेबसाइट ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए सीधा ही मैं आपको कैनवा पर ले चलता हूँ। तो ये देखो जी कैनवा का होम पेज निकल आया है, जैसे आप देख सकते हैं। आपको कोई पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है कैनवा के, आप फ्री में से इजीली बना सकते हो। आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास वेबसाइट। एक तो ये वेबसाइट है, मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो जैसे ये है, ये बेसिकली ओनली डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ही है। अगर आप इसको मोबाइल पर भी बनाओगे तब भी ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनेगी, इसमें आपको ओनली डेस्कटॉप व्यू ही मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि मोबाइल व्यू मिले तो वो मोबाइल व्यू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सभी इसके टेम्पलेट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो इसको आप मत ही चूज करना, ये आप लोगों के लिए नहीं है। देन और देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये है बायो लिंक वेबसाइट। ये देखो ये भी मोबाइल फ्रेंडली, इसको आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी दे सकते हो, जैसे लिंक ट्री है ये भी उसके जैसा ही है। यहाँ पर देखिए आपके वन पेज वेबसाइट होगी तो मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं। इन्होंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं, ये सभी प्रो वाले हैं, बट आप इनसे आइडिया लेकर अपना एक पर्टिकुलर डिजाइन टेम्पलेट बना सकते हो, और ये काफी अट्रैक्टिव सा भी लगता है, जैसे देखिए यहाँ पर भी है। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी सिंपल है, जैसे देखिए प्रो वर्जन नहीं है, ये फ्री है, आप इसको भी एडिट कर सकते हो। बाकी ये सारे जो है ये प्रो में है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, बट आप इनको देखकर एक ऐसा ही डिज़ाइन बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली जो मेन वेबसाइट पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा वो ये वाली है, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। आपको सिंपली इस ऑप्शन को टैप करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस निकल आएंगी, जैसे आप देख सकते हो ये सभी आपकी डेस्कटॉप पर भी अच्छे से वर्क करेंगी। जैसे ये वाली है जो ये डेस्कटॉप पर भी अच्छे से वर्क कर रही है और मोबाइल पर भी अच्छे से वर्क करेगी। ये वाला टेम्पलेट था बेसिकली आपको दिखाने के लिए, ये मैंने एज इट इज़ ही उठा लिया है, अभी एडिट नहीं किया। तो आपको मैं इसमें प्रॉपर एडिट करके दिखाऊंगा कि आपको करना क्या है। एक ये है, बट ये प्रो वर्जन है, बट इससे आपको एकदम ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे बना सकते हो। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, ये फ्री में है, आप इसको भी इजिली कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं उन्होंने बैकग्राउंड में इमेज लगाकर। तो डिज़ाइन तो आपको यहाँ पर बहुत से मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो अपना खुद का डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखिए एक ये भी है, इसके 20 पेजेस दिए हुए हैं इन्होंने। तो आपको इतना लंबा तो नहीं करना, आपको 3 या 4 पेजेस में ही काम चल जाएगा आपका। तो बेसिकली मैं इन दोनों में से आपको एडिट करके दिखाता हूँ, मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो देखो ये टेम्पलेट था, ये निकला है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर।
ये फर्स्ट पेज है इसका, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो बेसिकली हमको तीन या चार पेजेस की ही बनानी है, तो मैं आपको इसको इजीली एडिट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारी मेन जो लैंडिंग पेज है, जब भी यूज़र आएगा तो उसको ये दिखेगा। तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर इमेज चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपली गूगल पर सर्च करता हूँ कीटो डाइट। बहुत से लोग कीटो डाइट को और स्मूदी डाइट को प्रमोट करते हैं, तो आपको मैं उससे रिलेटेड बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इमेजेस आपको बहुत सी मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग ही कोई इमेज चूज करके वहाँ पर लगा सकते हो। ये वाली इमेज चूज करता हूँ, वापस चलकर यहाँ पर मैं इमेज अपलोड करता हूँ अपनी। अब इस इमेज को इसके साथ रिप्लेस करना है हमको, तो ये देखो ये आ गई। बट अभी ये काफ़ी हद तक अच्छा नहीं दिख रहा, बिकॉज जो हमारा कलर है वो ब्लैक था, तो इसको भी हम चेंज करते हैं, टेक्स्ट के कलर को वाइट करते हैं। अब ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये हमारा बटन था, इसको भी वाइट करना पड़ेगा हमको, इसको भी वाइट कर दिया। और ये हमारा लोगो था यहाँ पर मेन, ये हो गया। अब ये हद तक काफ़ी हद तक दिख भी रहा है, देन इसका कलर थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। और तो ये हमारा आ चुका है मेन, देन ये जो बटन है इसको भी हमको चेंज करना है अभी। तो सबसे पहले हमको मेन हमारी हेडलाइन चेंज करनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो हमारी जो मेन हेडलाइन है वो होगी व्हाट इज़ कीटो डाइट। तो अभी हमारा टेक्स्ट थोड़ा इतना उठकर नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा उठाने के लिए सिंपली आप इमेज पर टैप कीजिए और यहाँ पर एडजस्ट की ऑप्शन होगी, एडजस्ट पर टैप कीजिए और यहाँ पर ब्लर है, आपको थोड़ी सी इमेज को ब्लर करना पड़ेगा। तो इतना बहुत है, अब हमारा टेक्स्ट जो है जो वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। यहाँ पर देखिए कीटो डाइट भी लिखा आ रहा है और उसके नीचे ये भी आ रहा है, तो इसको हमको थोड़ा सा बड़ा करना है अभी। तो ये रहा, इसको नीचे करते हैं हम और इसको इफ़ेक्ट में जाकर सिंपली यहाँ पर टैप करना है आपको। इसको सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर लिफ्ट की ऑप्शन होगी, इसको आपको लिफ्ट कर देना ताकि ये टेक्स्ट और थोड़ा उभर कर आए। तो ये देखो ये हमारा मेन टैगलाइन होगी, इसको चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हो। तो बोल्ड करने के लिए आपको सिंपली इसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा जैसे आप देख सकते हो। तो टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं हम। तो देखो अब ये बोल्ड हो चुका है, ऐसे इसको भी चेंज कर लेते हैं हम। तो इसको चेंज करके देखते हैं हम, अब ये बोल्ड, ये भी बोल्ड हो रहा है, तो ये भी बोल्ड हो गया। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट को भी बोल्ड कर सकते हैं। तो अब ये देखो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है व्हाट इज़ कीटो डाइट। तो हमको यहाँ पर लिखना है सिंपली, तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है वॉच द वीडियो बिलो टू नो मोर अबाउट कीटो डाइट। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक देना है, तो इस बटन को मैं सिंपली ऐसे एज इट इज़ नीचे ले आता हूँ, बिकॉज अभी नहीं चाहिए ये हमको। ये आ गया बटन, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर एक वीडियो एम्बेड करनी है। तो उसके लिए आपको सिंपली मोर के ऑप्शन में जाना, जैसे देखिए मेरे यहाँ पर पहले से एम्बेड की ऑप्शन आ रही है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एम्बेड, बट आपकी ये नहीं आएगी। तो आपको सिंपली मोर पर जाना है, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। आपको सिंपली यहाँ पर देखिए एम्बेड की ऑप्शन है, आपको एम्बेड पर टैप करना है और यहाँ पर YouTube को सिलेक्ट करना है। तो देखिए एक YouTube की टैब यहाँ पर बनी आ जाएगी, इसको आपको अपने हिसाब से आप इजीली बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर कीटो डाइट की वीडियो लगानी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ऐड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली YouTube पर जाना है और किसी की भी वीडियो लगा सकते हो आप, आपको कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ कीटो डाइट, तो इससे रिलेटेड जो जो भी वीडियोस होगी वो यहाँ पर निकल आएगी। तो देखिए ये सभी रिजल्ट्स निकल कर आए हैं जैसे आप देख सकते हो। आपको एक बात का क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको वहाँ पर वीडियो देनी है तो वीडियो की लेंथ, जैसे देखिए ये 18 मिनट की है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। वीडियो की लेंथ लेस देन 10 मिनट्स की होनी चाहिए, तब यूज़र आपके साथ बेटर इंगेज करेगा। तो देखिए ये डाइट डॉक्टर है, बहुत से लोगों को पता होगा, इनका ब्लॉग भी है, ये सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी प्रेजेंट है। तो इनकी जो वीडियोज़ होती है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है, आप चाहे तो इसको भी दे सकते हो। मैंने वैसे देख ली है इसकी वीडियो, काफी अच्छी है, बट इसमें इन्होंने बोला है कि वो एक मंथ का फ्री कीटो का चैलेंज दे रहे हैं, बट हमको ऐसा कुछ नहीं देना, हमको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके वो पार्ट्स को काट भी सकते हैं। बाकी इसकी वीडियो काफी अच्छी है और एक वीडियो है ये देखिए लेस देन 4 मिनट की है, ये भी मैंने देख ली है, इसमें फुल एक्सप्लेन किया है उन्होंने कीटो क्या है, कीटो वगैरह आप उससे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो।
तो मैं इसको इसका लिंक कॉपी करूँगा सिंपली, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पर मैं दूंगा देखिए पेस्ट लिंक हेयर, तो ये आ गया। तो इस वाले को हमको सिंपली डिलीट करना पड़ेगा। ये आया हमारी वीडियो का लिंक, इसको बड़ा करते हैं हम, और इसके नीचे ये जो बटन है इसको हमको बड़ा करके देना है यहाँ पर टेक द कीटो चैलेंज नाउ, तो ये आ गया टेक कीटो चैलेंज नाउ। तो इसको बड़ा करते हैं हम, इसका साइज़ बहुत कम है। तो अब देखो अब ये काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है। देन ये बटन वाला है हमारा फ्रेम, इसको भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हमारा बटन बन चुका है एक काफ़ी अच्छा सा। ये हमारा मेन लैंडिंग पेज है, जब भी कोई यूज़र आएगा वो सिंपली यहाँ पर आएगा। पहले आप चाहें तो वीडियो के साइज़ को और बढ़ा सकते हैं ताकि यूज़र को अच्छे से दिखे। ये आ गया, देन इसको हमको नीचे करना पड़ेगा। देन अब हमको यहाँ पर लिंक देना है अपने एफिलिएट पेज का, और आपको यहाँ पर सीधी VSL का लिंक नहीं देना, आपको कीटो क्विज का लिंक देना है यहाँ पर। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे देना है। सिंपली इसको मैं बंद करता हूँ। तो देखो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर मैं कीटो लिखता हूँ। तो देखो कीटो से रिलेटेड बहुत से ऑफर्स यहाँ पर निकल आएंगे। आप चाहे तो इस लैंडिंग पेज में इन सभी को इंक्लूड कर सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। जैसे कीटो रिसोर्सेज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ओरिजिनल स्पीड कीटो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब कि अगर आप कीटो को ही प्रमोट करना है तो कीटो के आप 4 से 5 प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो इजिली। ये रही कीटो डाइट, आपको सिंपली इसके एफिलिएट सेल्स पेज में जाना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट योर एफिलिएट लिंक है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड लिंक है, जब भी यहाँ पर आप करोगे तो आपको एक प्रेजेंटेशन शो होगी, जैसे ये खोलकर दिखाएगा। उस प्रेजेंटेशन के बाद आपको कीटो क्विज आएगी, जैसे देखिए ये है। तो हमको यहाँ पर इसका लिंक नहीं देना, आपको यहाँ पर लिंक देना है सीधा ही जो होगी कीटो क्विज का। ये देखिए स्ट्रेट टू द कीटो क्विज नो VSL। तो देखो जैसे ही कोई बंदा वहाँ पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर रिडायरेक्ट होगा, उसको कोई VSL नहीं दिखेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये वाला स्टैंडर्ड लिंक नहीं देना, आपको ये वाला लिंक देना है कीटो क्विज वाला। जहाँ पर देखिए और भी बहुत सी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, टू वीडियो सेल्स पे 70 डेज ट्रायल, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। स्टेल टू द टेक्स्ट सेल पेज, ये नहीं चाहिए हमको, हमको ये चाहिए। मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी कॉपी करूंगा। आपको यहाँ पर ट्रिप्लेक्स की जगह पर आपको अपना एफिलिएट जो भी निकनेम होगा आपके अकाउंट का आपको वो फिल करना है। देन ये आपका का लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर वापस चलता हूँ तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिंक की ऑप्शन होगी एक, ये रही। इस लिंक में मैं अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करता हूँ, देन अप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर भी करता हूँ, ये रही लिंक की ऑप्शन, यहाँ पर भी पेस्ट अप्लाई। तो ये हमारा फर्स्ट पेज बन चुका है जो कीटो डाइट वाला, व्हाट इज़ कीटो डाइट आ गया। देन उसको वीडियो देखने के लिए सीधा कॉल टू एक्शन दे दिया, और यहाँ पर हमारी वीडियो आ गई। उसके नीचे ये आ गया टेक कीटो चैलेंज नाउ, जब भी कोई बंदा यहाँ पर आएगा तो उसको वीडियो नहीं शो होगी, वो सीधा ही कीटो क्विज पर जाएगा, और अगर उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हुआ देन वो डेफिनेटली बाय कर लेगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट पेज पर जाना है। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो इसका कलर वगैरह वो सभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे चेंज करना है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इमेज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर कोई इमेज हुई तो एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकते हो आप कीटो, बट जो भी होगी यहाँ पर पेड होगी तो इसलिए आप गूगल से उठाना। ये देखिए ये पेड है सभी। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वेट लॉस सक्सेस, वेट लॉस बिफोर आफ्टर की वीडियो भी दे सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये वीडियो दी हुई है तो मैं सिंपली इसको देकर दिखाता हूँ आपको। आपको इंस्टाग्राम से बहुत सी वेट लॉस बिफोर आफ्टर की वीडियोज मिल जाएंगी, आप सिंपली यहाँ पर वो वीडियो देना, इससे यूजर अच्छे से एंगेज होगा। और आप यहाँ पर स्टोरी लिख देना। तो देखिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, सी वन ऑफ आवर क्लाइंट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने इसको लिख दिया। देन इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इसके बराबर, और ये हमको नहीं चाहिए तो इसको अनग्रुप करके आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये रहा अनग्रुप। देन अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो देनी है, तो इस इमेज को भी मैं डिलीट करता हूँ, तो ये इमेज डिलीट होगी। देन आपको ये वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आपको वेट लॉस बिफोर आफ्टर की वीडियो देनी है यहाँ पर इसको हाईली कन्वर्टेबल बनाने के लिए। तो मैं इसको टैप करके यहाँ पर रखता हूँ, अभी ये बड़ी है, इसको हमको रिसाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा साइज कम करते हैं हम, और इसको सेंटर लाइन करते हैं। देन ये हमारी वीडियो आ गई, तो इसको भी अब हमको सेंटर लाइन करना पड़ेगा। ये हो गया सेंटर लाइन। तो आप इसमें पर्सनल टचेस देने के लिए क्या कर सकते हैं, डाउन एरो कर सकते हैं, जैसे ये है, इसको टैप कीजिए सिंपली यहाँ से, तो ये यहाँ पर आ गया। इसको आपको छोटा करना है साइज में,
अब इसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो ये यहाँ पर दिखेगा नहीं बिकॉज ये वाइट कलर का है, तो आपको इसको वीडियो के ऊपर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर आ चुका है। अब यूज़र को इंडिकेट हो रहा है कि इसके नीचे और भी पेज है। आप ऐसा ही एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर भी आ गया ये, और ये यहाँ पर भी आ चुका है। तो अब हमारे दो पेज बन चुके हैं। देन अब हमको लास्ट पेज बनाना है। यहाँ पर हमको अपने मेन एफिलिएट लिंक्स देने हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, आप 2 से 3 लिंक या 4-5 लिंक्स भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर चेंज करना है, हेडलाइन हमको नहीं चाहिए सिंपली, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम। इसको हमको ऊपर करना, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ पर। देन ऐसे ही सभी को मैं कर लेता हूँ। तो ये देखो ये आ गए हमारे 3 लिंक यहाँ पर। आपको सिंपली इनको चेंज करना है। तो इसको साइज़ को आपको बड़ा करना है, इसको आपको सेंटर लाइन करना है, और इसको आपको डिलीट कर दीजिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इसको सेंटर में कीजिए। अब आपको एलिमेंट्स में जाना है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल सर्च करना है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी रेक्टेंगल यहाँ पर निकल आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये है ग्लो वाला, ये बेसिकली पेड है। और देखते हैं हम बहुत से निकल आएंगे यहाँ पर। तो जैसे ये ही है, इसको ही चूज़ कर लेते हैं हम। तो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। तो ये देखो ये हमारा एक लिंक बन चुका है, टेक 30 डेज कीटो चैलेंज नाउ। तो ऐसे ही करके आपको बाकी के भी बनाने हैं। जितने भी आप देना चाहे आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर 1-2 लिखा है, तो इसको मैं चेंज करके वहाँ पर 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पर 1 आ गया। तो ऐसे करके आपको इसको भी कॉपी करना है। ये अभी थोड़ा साथ में ज़्यादा लग रहा है, इसको आपको साइड में कर दीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने लिंक दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देन मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली। ये आ गया सेकेंड भी। देन एक और कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये आ गया थर्ड, इसको भी कॉपी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक था 30 डेज कीटो चैलेंज, देन एक तो एक हमारे है कीटो फॉर ओवर 40। यहाँ पर स्मूदी डाइट भी लिख सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको दिखाने के लिए 3 ही लिंक ऐड किए हैं। आप चाहे तो 4 या 5 प्रोडक्ट जितने भी चाहे प्रमोट कर सकते हो। और आपको बैकग्राउंड इमेज भी चेंज करनी होगी, ये योगा वाली है, आप इसको ईजिली चेंज कर सकते हो। तो लिंक देने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है, यहाँ सेटिंग्स में जाना है, और लिंक की ऑप्शन होगी, यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक देना है। बेसिकली मेरे पास ये है, मैं इसको ही कॉपी करके दे देता हूँ। देन ये हो चुका है। अब हमारी साइट जो है वो बन चुकी है। तो अब अगर आपको रंग वगैरह नहीं पसंद आ रहे, आपको अपनी थीम का कलर वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए आपको स्टाइल पर जाना है सिंपली। देन यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले उन्होंने पहले ही एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। आप चाहे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सभी चेंज हो जाएगा। तो देखो कलर चेंज हो गया। देन ऐसे करके सभी पेजेस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा हमको, अब चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये है, इसको चेंज करके देखते हैं हम। देखिए कलर के साथ साथ आपका फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसका चेंज नहीं हुआ होगा। इसको आपको फिर से टैप करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलरली हर एक पेज का यहाँ से टैप करना है। इसका देखिए पिंक सा हो गया, थोड़ा सा गर्लिश सा हो गया। देन यहाँ पर आइए और यहाँ पर भी टैप कीजिए, इसका भी चेंज हो जाएगा। ये ऐसा हो चुका है। देन ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग थीम भी चूज़ कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। इजीली कस्टमाइजेबल है ये। आप कैनवा से इजीली अपने मोबाइल पर भी वेबसाइट बना सकते हो इंस्टाग्राम की बायो में देने के लिए। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। इससे अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तब भी आप इजीली यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैंने एक आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको लिंक्स वाली वेबसाइट बनानी है, जैसे जहाँ पर ओनली लिंक्स ही आएंगे, देन वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इजीली। देन अब आपको क्या करना है, पब्लिश करते समय आपको मेन ध्यान देना है पब्लिश एज ए वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपको पब्लिश करते समय आपको बेसिकली ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए वेब स्टाइल प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन पर नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ पर टैप करना है। और यहाँ पर देखिए स्क्रॉलिंग की ऑप्शन होगी और क्लासिक नेविगेशन। आपको जहाँ तो स्टैंडर्ड चूज करना है, जहाँ स्क्रॉलिंग चूज करनी है। मैं बेसिकली स्क्रॉलिंग चूज करता हूँ बिकॉज इससे जो इफेक्ट होता है वेबसाइट का वो काफी हद तक अच्छा आता है। तो मैं इसको चूज करता हूँ। देन ओपन वेबसाइट पर क्लिक करना है आपको सिंपली। तो ये देखो ये रही आपकी वेबसाइट। ये बेसिकली डेस्कटॉप है, इसलिए
इसलिए ये इतनी बड़ी दिखा रही है, जबकि मोबाइल में ये आपको इतनी दिखाई गई। यहाँ पर आपकी वीडियो वगैरह है, ये देखिए यहाँ पर बटन के ऑप्शन है, हमारी वीडियो भी आ रही है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर। जैसे आप देख ही सकते हैं ये आ गया हमारा एफिलिएट सेल्स पेज। तो और मैं आपको नीचे करके दिखा दूं, इफेक्ट देखना कितना अच्छा था है। ये देखिए ये वीडियो है, जैसे कोई बंदा इसको प्ले करेगा तो उसको हमारी वीडियो शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो शो होगी उसको, देन नीचे आएगा यहाँ पर हमारे मेन लिंक्स है। जैसे मैंने आपको बोला आपको ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी होगी तब ये आपके लिए बेटर होगा, वरना इमेज से आपकी जो थीम है वो अलग सी लगेगी। देन अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो भी फिर से कीटो डाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने मोबाइल से एकदम इफेक्टिवली वेबसाइट बना सकते हैं कैनवा से। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा आई एम श्योर, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी भी क्रीम ब्राउन योगा लिखा आ रहा है, बिकॉज ये जो हमारा टेम्पलेट था ये इसी नाम पर था, क्रीम ब्राउन योगा करके कुछ समथिंग था। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपली वापस से कैनवा पर जाना है। इसको मैं बंद करता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसका नाम है क्रीम ब्राउन योगा स्टूडियो, जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो आपको यहाँ से इसको चेंज करना है, एडिट करके अपनी प्रोफाइल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हेल्थी, देन फिर से इसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो स्क्रॉलिंग पर है, देन इसको पब्लिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नाम देखिए ऊपर हेल्थी यू कीटो डाइट आ गया है। यहाँ पर ये वाला जो हमारी पहली वेबसाइट का नाम था वो हट चुका है। जैसे ये देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ तो ये आ चुका है। अब वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इसका लिंक आपको ऐसे कॉपी करना है और इसको बिटली के थ्रू शॉर्टन करना है, और अपनी आप इंस्टाग्राम की बायो में इसको दे सकते हो। जैसे मैं आपको लिंक से कॉपी करके दिखाता हूँ एक बार, तो ये देखो ये हमारी वेबसाइट खुल रही है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करने से, तो ये देखो हमारी वेबसाइट खुल निकल आई है। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।